नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी सारी डिटेल्स उस फॉर्म में डालता है, कहीं बाहर ट्रैवल करता है इमिग्रेशन में उसकी सारी डिटेल्स होती है, किसी होटल में चेक इन करता है तो उसकी सारी डिटेल्स वहाँ होती है। अब ये सारी डिटेल्स हम SMS क्वेरी सिस्टम में अपडेट करते रहते हैं। पासपोर्ट नंबर्स, पैन कार्ड नंबर्स, मोबाइल नंबर्स, कार नंबर्स, ये सारे यूनिक नंबर्स भी हमारे सिस्टम में अपडेट होते रहते हैं। अगर आपको किसी के बारे में कुछ भी जानना है, आपको RTO के चक्कर काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन लोगों को इधर उधर भेजने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं खड़े खड़े आप वो यूनिक नंबर SMS क्वेरी को भेजेंगे। Within 15 minutes, maximum half an hour, आपको सारी की सारी information वहीं खड़े खड़े मिल जाएगी। मम्मी पापा को फोन करो ना। तुम्हारे पापा है, तुम फोन करो। अरे नहीं लग रहा है। चुप जाने ना। अरे आप तो हमेशा टीवी देखती रहती हो, मारो ना, मारो। जाना है ना पापा के साथ? हाँ जाना है मुझे, इसके लिए तो बोल रही थी फोन करने को।
चुप। हेलो अली, मम्मी को फोन दे। हाँ एक मिनट रुको। हेलो हेलो। अच्छा सुन, मैं सिर्फ दो मिनट के लिए आऊंगा फिर निकल जाऊंगा। आज गली को कार्टून दिखा रहा है। गली रुक जा। सुन, बदबू आ रही है। हाँ? अब ठीक है, चल बाल ठीक कर। डेढ़ घंटे से बैठा के रखा है मुझे यहाँ, सब जानते हैं ना। सारे देख के आंसर साला है, फंस गए होंगे। साला छाबरा पूरा पूरा हफ्ता तो बुलाता नहीं है, सिर्फ सैटरडे के दिन बुलाता है। जानता है मेरे लिए मुश्किल है। एहसान मत जता, करती हूँ फोन उनको, समझाना उसको। अरे अरे यार ऐसा करता है यार। हाँ एहसान कर, ये तो ऐसे दिखाती है जैसे मैं अपनी बेटी को भगा के ले जाऊंगा। पापा बैड फॉर 10 रुपीस। अरे यार आ रहा हूँ ना, उठ के थोड़ी आ सकता हूँ। मुंबई का ट्रैफिक है भाई। हाँ क्या कह रहा था तू, वहाँ था? गुड गुड जो क्या मैरिड औरतें इसलिए लाल बिंदी पहनती है क्योंकि सब रिकॉर्ड कर रही होती है। रिकॉर्डिंग बटन साला। अरे यार मुझे भी वहां होना चाहिए था यार। आप भी बेवकूफ हैं पापा, क्यों उसे पैसा देते हैं? मैं कहाँ देता हूँ, मैं तुझसे बात तक नहीं करता। अब हमसे अलग रहता, मैं वहां का किराया भी नहीं देता। मैं तो कहता हूँ आप मम्मी को भी पैसे देना बंद कर दीजिए, वैसे भी औरतों का हाथ बांधे रखना ही अच्छा है। होल्ड करिए, आपकी बेटी का फोन आ रहा है। क्या है? नीचे बैठा है तो क्या हो रहा है? शालिनी मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की कि तुम्हारे रिश्तेदारों का ही काम करता भी हो। कभी तुम्हारे बाप को अपने पार्टनर पर दबाव डालना होता है, कभी तुम्हारे भाई को अपने दोस्त की नाइट क्लब बचानी होती है। तो आप उसे अंदर बंद कर दीजिए ना, आप उसे बाहर बैठा कर रखते हो। उसे पता नहीं क्या लगता है, वो मुझे फोन करके सुनाता है। अंदर बंद करके इतना मारूंगा कि तुमको पापा को सबको फोन करना भूल जाएगा। तुम दो ड्रिंक पियो और सो जाओ, मुझे फोन मत करना। सुनिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। पैसे क्यों? जो चाहिए विनायक को बोलो ले आएगा। मेरे पास बिल्कुल कोई पैसे नहीं है, मेरा अकाउंट भी खाली हो गया है, घर में बैठे बोर हो जाती हूँ। तुम्हारी गाड़ी में हमेशा 5 लीटर पेट्रोल रहता है, कुछ और चाहिए विनायक को बोलो ले आएगा। स्टॉप बॉदरिंग मी। अरे कीजिए जी, फोन दे जरा। चाय पिला बैठ सकते। बेटा 5 मिनट्स के लिए यहाँ बैठ, मैं एक छोटा सा काम है। सिर्फ 5 मिनट्स के लिए ना प्लीज। देखा आपका 5 मिनट कितना होता है। आज शाम को 5 o'clock आप मेरे साथ IMAX में मूवी देखने आ रहे हो ना? अभी क्या टाइम हुआ? 3:00 मूवी 5 o'clock। तू आज तक हम क्या कर रहे हो? एक छोटा सा काम करके आता हूँ ना मैं। मुझे नहीं देखनी मूवी, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मुझे लेने क्यों आते हो? ठीक है आदमी मेरे साथ। नहीं मुझे नहीं जाना, जाओ अपना काम करो, कभी मत आना। क्या आईफोन? अरे अरे वाह, किसने दिया? मामा ने। कौन सा मामा? टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? जा रहा हूँ मामा, डांट क्यों रही हो? अच्छा सुनो, आप यहाँ से निकल जाओ, ठीक है? मैं यूँ गया हूँ। ठीक है जाओ। अरे सर कब नहीं उठाया आपका फोन? 5 मिनट में आ रहा है चेक करने। सर आप भी ना बच्चे की जान ही लोगे। कल बहुत बड़ी फिल्म को ऑडिशन देने जा रहा हूँ,
माता रानी ने चाहा तो इस बार मिल जाएगा मुझे रोल। सर 15-20 दिन में चुकता कर दूंगा सर, वन शॉट में सर, वन शॉट में। यदि आपको पता है यहाँ की ग्रे मार्केट में एक आईफोन पे 5,000 और एक आईपैड पे 6,000 रुपए का प्रॉफिट है। एक ट्रिप एक महीने में 100 पीस भी ले आते ना तो कम से कम 5,00,000 रुपया बनता है। आप अगर वो अपने कस्टम ऑफिसर को थोड़ा खिला दो। हेलो, कहाँ है तू यार? हाँ पहुँच गया, दरवाजा खोल। कितना इंतजार कर रहा है यार। ठीक है, पता तुझे चल सुन ले। लंबा सुन कैसे हुआ यार? तो याद करना। ठीक है, नीचे गाड़ी में कली नहीं थी। क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ तेरी गाड़ी का दरवाजा खुला था, मैंने बंद किया। बात कर रहा है कहीं होगी, दिखते हैं क्या हुआ। यही कहीं होगी। राहुल, ए राहुल, 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 अरे राहुल, राहुल, अरे भाईसा, भाईसा उस गाड़ी में एक बच्ची बैठी थी, आपने देखी थी? नहीं, एक छोटी बच्ची थी गाड़ी में, देखी क्या? अरे अरे भैया, कोई बच्ची तो नहीं देखी आपने? जी जी नहीं देखी। इस गाड़ी में बैठी? जी बिल्कुल नहीं देखी। एक छोटी बच्ची थी गाड़ी में, देखी? हाँ छोटी बच्ची थी। एक छोटी बच्ची थी गाड़ी में, ये 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 गाड़ी में देखी क्या छोटी? हाँ फोन बज रहा है तुम्हारा, फोन बज रहा है। राहुल वार्ष्णेय चौधरी का लिखे? वो मेरा असली नाम है। हाँ। लेकिन मैं राहुल कपूर यूज करता हूँ। क्यों? सर ये एक्टर है ना, उसको बोलने दे, तू बीच में मत बोल। सर एक्टर लोग ऐसा करते हैं, मतलब क्या, घर पे एक नाम और पर्दे के लिए दूसरा नाम। क्यों, अमिताभ बच्चन का क्या है नाम घर पे? अमिताभ बच्चन का नहीं है लेकिन। क्यों क्यों नहीं है? वो तो बहुत बड़े स्टार है बच्चन साहब। कईयों का है लेकिन। होता है सर, कई लोगों का पहले से, अभी जैसा अक्षय कुमार। हाँ अक्षय कुमार का नाम राजीव भाटिया, वैसे ही राजेश खन्ना का जतिन था वो, उसका ये अक्षय कुमार असली नाम नहीं, राजीव भाटिया असली नाम। लिप तब कुछ नाम है सर, यूसुफ भाई करके। यूसुफ साहब, यूसुफ भाई, यूसुफ भाई, यूसुफ भाई रे, यूसुफ। हां जितेंद्र करेक्ट। हां रवि कब छेड़ के बग पिक्चर बगतो सावड़े दला पिक्चर जी।
हाँ कपूर, बोला कौन सी पिक्चर में काम किया तू? अभी अभी तक नहीं किया। कब करेगा? सर वो चांस मिलने पे होता है ना सर, मतलब एक्टर अच्छा एक्टिंग अच्छी करता है। तू क्या करता है? मैं सर कास्टिंग करता हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, निर्माता। कास्टिंग क्या होता है? कास्टिंग मतलब सर जैसा कोई मूवी बनता है ना, हाँ मूवी बनता है, तो भी उसमें जो एक्टर कलाकार लोग होते हैं उनको उनको मैं चुनता हूँ। मतलब पिक्चर में वो शाहरुख खान काम करेगा कि सलमान खान, वो तू तय करता है? नहीं सर वैसा नहीं, फिर कैसा जो बड़े लोग होते हैं ना, हाँ। वो शाहरुख खान, हाँ मतलब, हाँ मतलब हीरो हीरोइन ऐसा जो बड़े लोग, हाँ वो पहले से डिसाइड रहते हैं। अच्छा। लेकिन अभी जैसा हीरोइन है तो उसकी माँ कौन करेगा, हीरोइन का बाप कौन करेगा, कैरेक्टर अभी विलेन हो गया बराबर, तो विलेन के आजू बाजू में कौन खड़ा होगा? वो उन लोग मार खाने वाले वगैरह हो, उन लोग सटर बटर वो तू करता है। इसको क्यों नहीं काम दिया, दोस्त है तेरा? सर इसको बड़ा बनना है, हीरो बड़ा मतलब हीरो हीरो करना है इसको। हीरो तो ये है ना, अच्छा अच्छा काम करता है, बहुत बड़ा हीरो है। छोटी लड़की को गाड़ी में अकेला छोड़ के जाता है। 10 साल उम्र है उसकी। क्यों घूम रहा था लड़की को लेके? क्योंकि हर सैटरडे वो मुझसे मिलती है। क्यों सैटरडे उसकी माँ काम पे जाती है क्या? उसकी माँ से मेरा तलाक हो चुका है। ए, ए, लपड़े थे साधना है मुझसे, डिवोर्स तलाक हे करणार लपड़े आपण बसा उठत। हाँ तर फिर तो इसलिए वो मेरे साथ थी। तो उसकी माँ को बोला था क्या बच्ची को छोड़ के जा रहा हूँ करके, बोला था क्या? सर इसने मुझे फोन किया कि ऑडिशन है, हाँ। लंबा सीन है, तू सीन लेने आ जा। अच्छा। तो कली मेरे साथ थी, मैंने गाड़ी वहाँ नीचे पार्क की, कली को बोला मैंने कि तू गाड़ी में रह, मैं ऊपर गया, ये घर पे था नहीं। मैडम मैं भी आता हूँ साहब। तो देखा इसके माँ बाप बात है, मैंने सोचा चलो मैं वेट करता हूँ, कुछ देर के बाद ये आया और इसने मुझे पूछा कि कली कहाँ है, तो मैंने कहा गाड़ी में, इसने कहा गाड़ी में नहीं है, तो मैं भागा नीचे ढूंढने, कहाँ चली गई, मेरे पीछे पीछे ये भी आ गया, मैंने देखा कि वो गाड़ी में नहीं थी, मैं ढूंढना शुरू कर दिया, तब तक देखता हूँ कि ये भी पीछे आया और इसने मुझे आवाज दी, इसने किसी आदमी को पकड़ लिया था, मुझे लगा कोई क्लू मिल गया होगा, मैं भागता हुआ गया, उस आदमी ने इसको धक्का दिया और वो गाड़ी के नीचे आ गया। अब इसमें हमारी क्या गलती है सर? बेटी गायब हो गई सर, अब हमसे पूछताछ कर रहे हैं, मतलब उसको ढूंढना चाहिए ना। यार तू काय सोंग उठतो, तू काय मला शिकवतो, तू काय करायचं ते तुझ्या बापाला शिकवा। काय को फोन किया तू इसको? सर वो सीन ऑडिशन था जिस उसका, तो वो हाँ। सीन देने के लिए मैंने इसको फोन किया, बराबर हाँ। और जब भी ये घर पे आया तो असल में मेरा कंप्यूटर था खराब। कंप्यूटर का क्या मतलब है? कंप्यूटर कहाँ से आएगा अभी बीच में? सर, सीन तू सीन की बात कर रहा है ना, अभी सीन देने का है तो कंप्यूटर का क्या संबंध है? ईमेल ईमेल में होता है ना, सीन ईमेल में होता है, तो वो ईमेल चेक करने सर साइबर कैफे चला गया। साइबर कैफे में ईमेल से प्रिंट आउट लेके इसको देना, ये सीधा बोलना फिर। तो मेल से प्रिंट आउट निकाल के मैं जब भी आया, मतलब आया तो घर के नीचे ऐसा गाड़ी खड़ी थी जहाँ राहुल ने जहाँ खड़ी की थी, और गाड़ी देखी मैंने, उसके बाद ऊपर आ गई नहीं गाड़ी में, मैंने ऐसा देखा कि तो ये नहीं था गाड़ी में, तो मुझे होगा कि मुझे लगा ऊपर होगा, तो मैं ऊपर आया, ऊपर आया तो जब भी राहुल मिला तो मैं उसको बोला कली किधर? तेरे को कैसे मालूम गाड़ी में वो लड़की है कि नहीं है? जब मैंने फोन किया था तब मैंने उसको बताया था कि कली मेरे साथ है। ये बताया था तू? हाँ। ये क्यों नहीं बताया तूने? तुम दोनों के अलग अलग स्टोरी लगाते क्या सर? इधर क्या मनगढ़ंत बात बताते हो क्या तुम? पुलिस स्टेशन है। सीन लेके मैं ऊपर आया और राहुल जब भी मिला मैंने इसको बोला कली किधर? बोला नीचे गाड़ी में होगी। बोला गाड़ी में नहीं। तो ये एकदम से भागा तो इसके पीछे में आया और ये नीचे गया, इसने गाड़ी में ऐसा देखा और उसके बाद ये मार्केट के दूसरे बाजू में गया और मैं दूसरे बाजू में गया। किधर? ये अभी गाड़ी चल, ये गाड़ी। तो अभी गाड़ी जैसा उसने गाड़ी ऐसा लगाया था ना, जोक का पार्ट होता था जाएगा। हाँ बोल गाड़ी में। हाँ ये एकदम से गया गाड़ी में, ऐसा देखा गाड़ी में कोई था नहीं, तो ये इस तरह भागा मार्केट के ये बाजू में भागा। अनि मी इथे गेलो, मतलब शेरे पंजाब की ये बाजूला गेलो, थोड़ा मैं आगे गया, आगे गया तो एक आदमी ऐसा था, मैंने ऐसा उसको पूछ लिया कि कोई लड़की देखी क्या 7-8-9 साल की ऐसी, तो वो आदमी का मतलब ऐसा फोन बज रहा था बार बार, मैं उसको पूछा तो कुछ बोल नहीं रहा था, उसका मोबाइल ऐसा बजे जा रहा था, मैं उसको बोला भाई तेरा मोबाइल बज रहा है, क्यों तेरा क्या लेना देना उसका, फोन बज रहा है क्या हो रहा है, तू लड़की ढूंढ रहा था ना? नहीं सर अभी जैसा मैं आपसे ऐसा बात कर रहा हूँ, अभी मेरा फोन बजेगा तो आप बोलेंगे ना कि ले लो। अच्छा, मैंने वैसे बोला। हाँ, तो
तो ले लिया उसने। हाँ, तो उसने ऐसा फोन निकाला ना, तो उसके हाथ में मतलब आईफोन था, ये वाला फोन, ये हाँ ये फोन उसके हाथ में था। आईफोन स्क्रीन पे ना, मतलब ऐसा राहुल का फोटो जब भी चमका तो मैं बोला अरे तो कली का, मैं ट्राई कर रहा था ना वहां से अपनी बेटी, तभी ये फोन कर रहा था। एक मिनट, इस पे फोन पे फोटो आया? हाँ, फोन पे इसका फोटो चमका। क्या बोल रहा तू, फोन पे फोटो क्या बोल रहा है अभी? तो जब मैं फोन करता हूँ तो मेरा फोटो आता है पापा कॉलिंग करके। क्या होता है पापा? वो क्या पापा, पापा कॉलिंग करके मेरा फोटो आता है। पापा कॉलिंग? अरे मैं इतनी बार अपने फोन से मेरे लड़की को फोन करता हूँ, इधर ऑफिस से, इधर से चौकी में से, कभी नहीं आता पापा कॉलिंग, पापा कॉलिंग। तेरा कैसे आएगा सर? सेव करना पड़ेगा ना पहले। क्या सेव करना पड़ेगा? आपका फोटो सेव करना पड़ेगा आपकी बेटी के फोटो मोबाइल में, तो ही आपका मतलब आ जाएगा पापा कॉलिंग। कैमरा सर, कैमरा वाला फोन का है? तुझे अलग कैमरा नहीं दिया कैमरा क्या है? कैमरा है इसमें, मैं समझाता हूँ। इतना फालतू समझता है तू, कैमरा नहीं है क्या इसमें? सर मैं बताता हूँ क्या होता है। क्या होता है? पहले सेव करना, पहले फोटो लेनी पड़ती है, बराबर, वो सेव करना पड़ता है नाम, फिर जब आप फोन करोगे बराबर, तो वो बजेगा तो आपके फोटो इधर फोटो आएगा। हाँ, तो जैसे उनके उनके फोटो में, जैसे मैं एक कैमरा ऑन करना, अरे लेके अभी जैसे ये फोन पे अगर फोटो खींच लेंगे ना आपका, मेरा फोटो खींचेगा तो सर तभी तो फोटो आएगा ना, तो इधर आएगा मेरे फोन नहीं, जैसा अभी इधर सर इधर आएगा जब आपका फोटो मैं इसमें लूंगा तो फोटो इसी में आएगा, उसमें कैसे आएगा? अभी जैसा आप जब भी इनको फोन करेंगे ना, अभी एक बार ऐसा सेव करके हम लोग कर देंगे, जैसा जो भी कैमरा है जिसका भी मोबाइल, चल निकाल निकाल फोटो निकाल फोटो सर फोटो ए बैठ रुक काड़े एकदम मजा रेडी काड़ फोटो चल यही और कौन कौन इधर? हम रहते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? कुमार देवी। तो क्या कर रहे हो? बच्चों के लिए फोटो बना रहे हैं और सीरियल बेचता है बच्चों को। हाँ, छोटे बच्चे पसंद है क्या उसको? वो तो मालूम नहीं, तुम्हारा खबर मिला है श्रीलहर और तुम मिलके बच्चों के साथ कुछ गड़बड़ कर? नहीं नहीं नहीं, पक्का ये हमको कुछ मालूम नहीं है। श्रीलाल को पहले पकड़ा है पुलिस? पुलिस ने पकड़ी थी, पब्लिक ने मारी थी, एक छोटी सी बच्ची थी उसको चूसने वाला बर्फ खिला दिया तो पब्लिक ने मारा छोटी बच्ची के लिए। वो क्या तो फोन लगा रहा है कि क्या कर रहा है? बैलेंस खत्म हो गया सर। बोल नंबर बोल सर। 98219। घर का बोल रहे? घर पे फोन नहीं क्या? 2345 4267। माँ क्या करती है बेटी? माँ कुछ नहीं करती। कौन कौन है घर पे? उसका हस्बैंड। मैंगो पे सेल है, चलना? नहीं, मन ही नहीं करा घर से बाहर निकलना। कभी तो घर से बाहर निकला कर, अकेले घर पे करती क्या है? टीवी देखते रहती हूँ और क्या। चलना। वो भी तेरे बारे में पूछ रहा था। वो सौरभ, उसको मैंने बताया शौमिक क्या करता है, पुलिस वाला है। पता क्या बोला? हाँ राणे ना, राणे जरा डिटेक्शन साहिबान दिया। क्यों अपनी बीवी से बोर हो गया है क्या? तू मिली है उसकी बीवी से? चीज मोटी सांड साली टुनटुन। फिजिकल ट्रेनर। चौधरी पूरा पीएमजी भी बाजार, वो मॉडल टाउन शेरे पंजाब, वो नजदीक के इलाके पूरे छान मार शेर के, जब महाकाली गुफा बची थी बच्चों से वो भीख मंगवाते ना, पूरा सबको चुन चुन के उठा के ले गया, जितने भी अपने लिस्ट में, किसी को छोड़ने का नहीं, बस्ती में घुस। जी सर। वो फैंटेसी लैंड है ना, वो आरे वालों के पीछे का जंगल वगैरह सब, उधर सर्च पार्टी लेके जा कुत्तों के साथ। हेलो
हेलो क्या हो रहा है? मतलब वो है क्या? कौन वो? क्या चीज? कल को टाइम पे छोड़ देना। ठीक ठीक। 24 घंटे के अंदर अगर बच्चा नहीं मिला तो सीधा आईपीसी 363 बन जाता है, किडनैपिंग केस। खत्म। क्या कहा मैंने? वो बोली कि कली को टाइम पे घर पे भेज देना। आपने बोला कि वो गायब हो गई। क्या रहा हो सर? बाजार में बहुत गर्दी थी, बच्ची के बारे में किसी को कुछ याद नहीं, उसका सामान मेरा कुछ खास नहीं। चेक किया? यस सर। बच्ची को एक दो लोगों ने देखा था और किसी को कुछ याद नहीं। क्या बोल? अब उसका फोन मरने वाले के हाथ में कैसे आया किसी को कुछ पता नहीं। दुकानदार बोलते हैं यहाँ खिलौने बेचता था, यहाँ पीछे झोपड़पट्टी में अपनी बुआ के साथ। और वो सर डॉग मंगाया है? जी सर, लेकिन मार्केट में गर्दी की वजह से जॉनी भी बच्ची की भूख फॉलो नहीं करता। काय सर, एक श्रीलाल नाम था उसका। श्रीलाल? अच्छा, इतना ही सामान है क्या? हाँ, बाकी उसकी खोली पे। खोली पे? हाँ। तो खोली थी तो इधर क्यों सोता था? हम तो उसकी बुआ है, उसके बाप की बहन है, उसकी अम्मा तो नहीं, तो हम तो क्या मालूम। देखो ध्यान रखो। अरे ये तो बहुत खुश हो रही है, इसको मालूम है क्या मर गया वो? नहीं सर। जादव सर, मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन। बोलो क्या हुआ? एक लड़की गायब हो गई सर। हाँ, उसका बाप कोई एक्टर है, राहुल कपूर। सर हमने पहले आपको सच सच बताया, फिर आपने हमें बाहर बिठा, उसके बाद अंदर बुलाया, चाय पिलाई, और आप बोले कि आप मेरी बेटी को ढूंढेंगे। अब आप बता रहे हैं कि मैंने खुद ही अपनी बेटी को गायब किया। करेक्ट। कुछ तो दिमाग वाली बात करें ना सर। दिमाग नहीं मेरे को, दिमाग नहीं है क्या मेरे को? तूने इसलिए गायब किया क्योंकि मेरे सांप की वाइफ तेरे को तेरी बेटी से मिलने नहीं देती। मैं आपको बेवकूफ दिखता हूँ। नहीं रे, बेवकूफ का बेवकूफ नहीं दिखता, तो हमको बेवकूफ बना रहा है। कैसी बातें कर? कैसी बात कर? हाँ, कैसी बातें? कैसी बातें? कैसी सर? कैसी बातें सर? सर जब इसकी बेटी गायब हुई तभी ये मेरे घर पे था, और पुलिस स्टेशन में सारी बात आपको बताई ना? सब बताया ना, सब बताया ना? हाँ बताई ना आपको सब। तो बार बार क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है बार बार? लेकिन आप बोल रहे हो कि इसने? मेरे साहब ने बोला इसने गायब की तो की। वो तुम दोनों से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे मेरे साहब, उन्होंने बोला इसने गायब की तो गायब की। राहुल सर, इसके घर की तलाशी ली क्या? घर वालों से पूछताछ की? अरे बड़े थाने तक। अरे मेरे माँ बाप को थाने में बिठा क्यों रखा है? एक तो बेचारे घर से बाहर नहीं निकलते, अभी जाती कर रहे हो ना आप लोग वर्दी में। कंप्लेन हमने की, बेटी हमारी, बम्बू हमें को दे रहे हो, ऐसा होता है क्या? तेरी बेटी है? तेरी बेटी है? नहीं नहीं। चाय पिला, भगा इसको। तू बैठ। यार शौक बहुत हो रहा है यार। यार नहीं हुआ तेरा? मैं क्यों कली को गायब करूंगा? तुम्हारा दोस्त पिलाता था मुझे, और तुम जब लुढ़क जाते थे ना। वो झूठ बोल रहा था। और यही कहानी तुमने सारामजदे हवलदार को भी सुनाई। वो तुम्हारे जहां से मैं और सारे तुमसे शादी कर ली। कली तुम्हारे साथ रात तक नहीं रुकेगी, बस अगली बार उसको मैं भेज नहीं वाली हूँ। शालिनी शराब तुमने पी थी,
इनफैक्ट जब वो तुम्हारे पेट में थी तब भी तुम शराब पीती थी। हाँ पीती थी क्योंकि तुम्हारे साथ थी इसलिए। अब नहीं करती उसके साथ। ठीक है मैं भी नहीं करूँगा। आई डोंट केयर। जस्ट ड्रॉप हर होम एट 8 o'clock। वो नहीं आना चाहती है। वो क्या करना चाहती है और क्या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगी। यू जस्ट ब्रिंग हर ऑन टाइम नहीं तो मैं शॉमी को फोन करके बोल दूंगी। अपने पति की धमकी मुझे मत दे। तेरी आवाज़ है ना। तू शालिनी का फोन टैप करता। कॉलेज में तूने मेरी धुलाई की थी। बहुत शौक था ना तुझे सबको मारने का। आज नहीं मानेगा। उठना बे। क्या वो पाए जाए क्या? चलो फ्लॉपी रो। अरे पुलिस स्टेशन का नंबर चाहिए। नहीं आर्मी रेस्टोरेंट का नंबर चाहिए। लेकिन बाद वाला। सर आपका नाम? मेरा नाम क्यों? प्रीपेड सिम कार्ड आएगा जाना मतलब। तेरी कसम कड़ी की कसम मैंने कभी नहीं गायब किया यार। हम बच्चे थे यार। भूल जाना पुरानी बात को यार। मैंने कली को गायब नहीं किया है। कली की कसम नहीं किया यार। प्लीज भूल जा। प्लीज यार। यूएस बेस्ड कंपनी है सिंगापुर में। यूएस लॉ से गवर्न होती है इसलिए इन्फॉर्मेशन भेजने में समय लगा रहे हैं। जी सर। कौन बोल रहा है? तेरा बाप बोल रहा हूँ। बेटी जिंदा मांगती है तो 10 lakh का इंतजाम कर। कल फोन करता हूँ। नंबर ट्रैक करो। एक 9-10 साल की बच्ची चाहिए। जितने भी लोगों को ऑडिशन के लिए बुला सकता बुला ले। अर्जेंट है। असीम सुन। लड़की किडनैप हुई है और जिसने लड़की को उठाया है वो लड़की से उसके बाप की फोन पे बात कराता है। लाइन्स लिख ले। लिख ले नहीं तो भूल जाएगा। जो भी मरने वाले की लीड अभी तक फॉलो कर रहे थे। क्या नाम था उसका? श्रीलाल नाम था उसका। लीव इट। वील गो कवर्ड नाउ। डिसमिस्ड। सर। विजय कुमार जाता है। यस सर। थाना। एक बार सर। आज से तुम हमारे साथ इस ऑपरेशन पर काम करोगे।
नितिन जी प्रणाम। अरे आज तड़के ऑफिस आ गए थे। अच्छा ये बताइए पिछले दोनों पिक्चर काम को कितना पैसा देना है? बोलो। हीरो के दोस्त ने अपने अकाउंटेंट को फोन किया था सर। उसका काफी उधार है जो देना है। फोन कॉल रिकॉर्ड किया? सर उपाध्याय ने कॉल डाइवर्ट किया था। तो किया ही होगा। उठा दो उसको। सुबह के चॉपर से आया था क्या? साहब ने संभल के मारा है। हड्डी वड्डी नहीं टूटी लेकिन चोट लगी। आप एक बार देख लो, ठीक हो तो कोर्ट ले जाना है रिमांड के लिए। चल खड़ा हो जा बे। अपना ये हाथ आगे करो, ऐसे मुट्ठी बनाओ, इसे घुमाओ। अब यहां से इसको प्रेस करो, कंधे पे ले जाओ, इसे कंधे को घुमाओ। दर्द हो रहा है? ये दूसरा हाथ को ले। फर्स्ट चॉइस मतलब वो हीरो जिसे तूने मुझसे पहले पसंद किया था। मेरे हाथ में तो बची कुछ ही आई थी। हीरोगिरी कोई काम नहीं आई उसके। और कली? कली को मैं ढूंढ लाऊंगा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखा है मैंने तुम माँ बाप कितना प्यार करते थे उससे। शामिक जाओ अंदर जाओ,
दवाई पी के सो जा। जाओ। शूटआउट केस का क्या हुआ? घटनास्थल से 4 नए यूनिक नंबर निकल कर आए हैं जो एक दिन पहले पुणे से चलकर आए हैं सर। यूनिक है कैसे पता चला? जो हमारा प्राइम सस्पेक्ट है सर, जिसने ये घटना कराई होगी, उसकी नंबरों से बात हुई है। है क्या पैसा? कहाँ से लाने वाला पैसा? फिरौती से? हाँ, बच्ची को अगवा करके फिरौती से पैसा लेगा तू? हाँ हाँ, मोटर चोर। इसका फोन बज रहा है। नहीं, हेलो 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 चैतन्य, कहाँ है? कहाँ है? मालूम है
तेरे जाने के बाद पोस्ट मुझे बहुत मारा। मैं न्यूज पे जा रहा हूँ, सीएनएन आईबीएन के बाहर खड़ा हूँ, आता है क्या? हेलो चैतन्य, तेरी बेटी को तेरे दोस्त नहीं उठाया था। राहुल झूठ बोल रहा है। कल अंधेरी स्टेशन से फोन किया था तूने, 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, मांगी थी ना? हम सब साथ थे ना, तूने मार कर भेजा था ना उसको? हाँ, वो जानता था ना कि तू मेरे साथ है, तभी वो मुझे फोन करेगा, फिरौती मांगेगा 10 लाख की। वो मेरा किराया भरता है, जानता है मेरे पास पैसे नहीं है। ये खेल किसी और के साथ खेल, बस मुझे मेरी बेटी ढूंढ दे। हेलो हेलो, कली को तू भी ढूंढना चाहता है, मैं भी ढूंढना चाहता हूँ, पुलिस भी ढूंढना चाहती है। तेरी बेटी है तो मेरी भी बेटी है। अगर तू न्यूज़ पे गया तो कली मिल भी गई तो जिंदा नहीं मिलेगी, समझ रहे तू? अभी तो चुपचाप बैठेगा, कल ही कौन ढूंढेगी? खाना मेरे ऊपर है। कमीना साला, बाप बनता फिरता है कली का, चेहरे पे एक भी शिकन नहीं कि वो गायब हो गई है। खुद ही भेजा होगा किसी के साथ साले ने, ताकि मुझसे मिल ना सको। तू भी उसके जैसी बात कर रहा है। मार के बोलता है बिल मेरे ऊपर है। छोड़ना राहुल। अरे क्या छोड़ना, कितना मरा सबके सामने साले ने मुझे। देख कोई देगा काम मुझे, बोल बोलना। मुझे तो जैसे अंदर लेके वीआईपी ट्रीटमेंट दिया ना। जितने निशान दिए ना, गिन गिन के बदला लूंगा साले से। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। सर बच्चों के गायब होने के 80% केसेस में फिरौती की कॉल नहीं आती सर। कली की फोटो मैंने देखी है, वो सुंदर है सर। I'm sorry सर। ये ज़्यादातर गोरे और खूबसूरत बच्चे किडनैप करते हैं, क्योंकि उनकी मार्केट काफ़ी अच्छी है हमारे कंट्री में, और काले बच्चे यूजली फॉरेनर्स प्रेफर करते हैं। 10 साल के बच्चे कोई नहीं खरीदता।
पीएमजीपी अंधेरी इससे दोपहर के बाद मरून लेंसर से ये बच्ची गायब हुई है। साहब मैं बहुत पहला एक बच्चा उठाया था साहब, अभी मैं वो काम छोड़ दिया, मेरे को काहे को इधर बार बार लाते। उठाया नहीं उठाया मैं नहीं जानता, इसको ढूंढना तुम सबका काम है। और अगर 24 घंटे में ये लड़की नहीं मिली तो तुम सब गए। चेहरा देखो। 40 बच्चों का ऑडिशन कराया, सबको वही डायलॉग बुलवाया। पापा मुझे यहाँ से ले जाओ पापा, मुझे आपके पास आना है पापा। माय नेम इज सुनमा बानो। पापा मुझे आपकी बहुत याद आ रही, मुझे आपके पास आना है। पापा मुझे आपकी बहुत याद आ रही, मुझे आपके पास आना है। पापा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मुझे आपके पास आना है। पापा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मुझे आपके पास आना है। पापा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मुझे आपके पास आना है। हेलो, हाँ तुम्हारे पास एक क्रेडिट कार्ड है? नहीं, डिटेल से समझ करना। अबे नहीं, ऑनलाइन यूज़ करना। अरे फोकट में नहीं यूज़ करूँगा बे, जब भी बिल आएगा तो मेरे से कैश ले ले। हाँ अभी भेज लेकिन। बीस लाख बोलना, 20 लाख। कल तक का समय है तेरे पास, 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख। कल तक का समय है तेरे पास, तब तक इंतजाम कर ले, कल फोन करूंगा। तुम्हें आँखें तुम्हें घास में, तू मुझे नहीं छोड़ दे, मैं तुझे नहीं छोड़ लूं, तू मुझे नहीं छोड़ दे, मैं तुझे नहीं छोड़ दूं। फोन है तुम्हारा कहीं बाहर से? बहुत मारा है इसीलिए कहती हूँ शादी हमेशा सोच समझ के करनी चाहिए। जैसे तूने किया। हेलो 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 कली, तेरी बेटी मेरे पास है, किडनैपर ने फिर रिकॉर्ड करके स्पीकर से माउथपीस पे बजाया है। हेलो, कहाँ है तू? क्या हुआ? चेतन और राहुल, फोन आया था मुझे। कल की आवाज सुनाई, 20 लाख मांग रहा है मुझसे। कौन मांग रहा है बे? मुझे क्या पता कौन। अरे जिसने तेरी बेटी को उठाया, और कौन? तू राखी के साथ है। उसके नए बाप को बोल मुझे उस हरामजादे से कुछ नहीं बोलना है। अबे ये जज्बाती आहकारी, गुस्से में नहीं ठंडे दिमाग से सोच। तू कहां से लाएगा पैसे? मेरी मां उसे बोल दे, वो या तो पैसे देगा नहीं तो कली को कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेगा। अरे वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ हीरो बनेगा साला। और जिसने मेरी बेटी उठाई ना, मार डालेगा मेरी बेटी को। तू इधर आना, कहां है तू? मैं अभी नहीं आ सकता, कुछ काम कर रहा हूं। वो बात है जी सर, पता लगाओ ये लड़की को। राहुल कहां है?
सर घर पे है वो सर, हमारा एक हवलदार उसके घर के बाहर तैनात है। इज होम सर। चैतन्य नास बिल्डिंग में सर, अपने ऑफिस में। रैंसम कॉल ट्रेस हुआ क्या? सर वही कर रहे हैं सर। सर ओवरसीज कॉल था, यहाँ से गैंगस्टर पुजारी का फोन आता था वहाँ से। पुजारी तो जेल में है ना? हाँ लेकिन उसके भाई लोग तो बाहर है, कोई भी उसके लिए काम कर सकता है। मैडम आपने साहब को बोला है कि आप बाहर जा रही हो? साहब ने मना किया है आपको बिना बताए जाने को। मैडम एक मैसेज तो करो ना। क्या बजा रही? आजकल तेरे लड़के बाहर से काम कर रहे हैं? मैं आज तक खुद हिंदुस्तान के बाहर नहीं गया, मेरा कोई क्यों जाएगा साहब? अगर तो हिंदुस्तान से बाहर गया ही नहीं तो तेरे फोन बाहर से कैसे आते थे? साहब मुझे कुछ पता नहीं, जब से आपने मुझे मारा है मुझे कुछ याद नहीं रहता साहब, मैं एकदम गजनी हो गया हूँ साहब। तुझे घर पे बात करनी थी ना? हाँ साहब बहुत दिन से बात नहीं किया। ये ले रख, अनलिमिटेड डॉक्टर है। क्या हुआ साहब? बच्ची उठाई गई है, लापता है। आपकी बच्ची? किसी बड़े आदमी की बच्ची है साहब? हाँ। तभी इतनी खातिरदारी हो रही साहब, नहीं तो। साहब एक रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ बहुत बोर होता हूँ मैं, मुझे एक छोटा सा टीवी चाहिए जिसमें डीवीडी प्लेयर लगा होता है, जिसमें कोई पिक्चर देख सकते हैं गाने सुन सकते हैं। मिल जाएगा। और साथ में कान में लगाने वाला है फोन। कभी बताएगा? बस साहब जैसे ही सामान हाथ में आ जाएगा, थोड़ा याद करने में आजकल टाइम लगता है। कभी कभी रैंसम लेंगे। रैंसम नहीं मतलब किडनैप करते हैं तो रैंसम तो मांगते ही हैं ना। कली को तो राहुल ने कहीं छुपाया और अब भाग गया है। राहुल क्यों छुपाएगा? रखेगा कहाँ छुपा के और भागेगा कहाँ से? शौमिक ने कहा भाग गया है। कली का किडनैप हुआ है और 20 लाख रुपए मांगे हैं। तुझे किसने बोला? 20 लाख मांगे? मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। गौरी पता लगा मिसेस बोस का फोन इस समय किसी एरिया में। जादव ये लड़की है, फिल्म में नाचती है गाती है, राखी मल्होत्रा। गौरी से वॉइस का सैंपल ले और इस गाने से मैच कर दे। ओके सर। विनय कहाँ है तू? घर पे। मैडम कहाँ है? घर पे ही है। ठीक है सर। दरअसल गाना तो सिंगर गाता है ना सर, तो ये राखी मल्होत्रा तो सिर्फ डांस करती है, तो वॉइस सैंपल कैसे मैच होगा? चुपचाप पैसे देके जान बचा ले ज़्यादा अच्छा होता है। अरे इनको जब अंडरवर्ल्ड से धमकी आई थी ना, मेरी फिल्म जब लॉन्च की थी इन्होंने, इन्होंने भी चुपचाप पैसे दे दिए थे, लेकिन कम से कम आज चैन की नींद तो सो सकते हैं। और अच्छा है किडनैपर को अभी तक पता नहीं चला है कि बोस पुलिस वाला, पता लग गया ना तो तुरंत मार देगा कली को। मुझे क्या पता पैसे कहाँ देने, कहाँ से लाएंगे पैसे? पैसे चाहिए देने, फोन खरीदना। यदि पापा ने मना कर दिया पैसे देने के लिए, यदि मैं बहुत कर्जे में हूँ दीदी, मेरे मोबाइल फ़ोन टूट गया, लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे, उन्हें लेकर मैं भाग गया हूँ दीदी, मुझे नया फोन खरीदना है दीदी, प्लीज़ मुझे पैसे चाहिए प्लीज़। मेरे पास कोई पैसे नहीं सिद्धांत। मैंने मोबाइल फ़ोन दिया था वो कहाँ पर है ना? आपके पास नहीं है? मेरे पास कहाँ है? स्टॉप इट, स्टॉप इट सिद्धांत, सिद्धांत स्टॉप इट। क्या हो रहा है? रहने दो, भाऊ है माजा, आप जाओ। हाँ बोल। बॉस तो पेपर नहीं पढ़ता क्या? कौन सी किडनैपिंग के बारे में तूने पढ़ा है जिसमें बच्चा जिंदा बचा हो? अरे मार काट के फेंकते हैं बच्चों को।
हम किसी से 20 लाख उधार नहीं ले सकते क्या? 20 लाख देगा कौन राहुल? तू पैसे वापस कर नहीं सकता और मेरे सर पे पहले से लेनदार खड़े हैं। अरे किसी से तो मांगने पड़ेंगे ना 20 लाख। डाका डालेगा? मतलब? एक गैंग है घाटकोपर में जो ज्वेलरी की दुकान लूटता है। हम भी कर सकते हैं। देख, ज्वेलरी की दुकान लूटना बैंक लूटने से ज्यादा आसान है। तू पागल हो गया क्या? पागल मैं नहीं, पागल तू हो गया राहुल। बॉस को तो बोलेगा नहीं। पैसे मेरे पास है नहीं, मेरे रास्ता क्या बचता है? सुन, ये किडनैपिंग की रकम चुकाने के लिए किसी और को किडनैप करते हैं। किसे? रखी के पति को, जो प्रोड्यूसर है। अरे नहीं यार, क्या क्या बात कर रहा है तू? अरे राखी कौन सा उससे प्यार करती है? तो चल तुम उससे मिल फिर बात करते हैं यार, बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है? ठीक है। हो सकता है कि लोग सच कह रहे हो कि तुम्हें एक्टिंग नहीं आती। हो सकता है, हो सकता है मुझे एक्टिंग नहीं आती। हो सकता है मैं जिंदगी में कभी स्टार नहीं बन पाऊंगा, लेकिन शालिनी मैं मुंबई यही काम करने आया हूँ, यही करूंगा मरते दम तक। आज नहीं कल नहीं, 60 साल की उम्र में भी ब्रेक मिला तो चलेगा, समझी? और मैं बाढ़ में जाऊँ तो जो करना करो। राहुल मैं कब तक पैसे लेते रहूंगी पापा से घर चलाने के लिए? पापा से तुम पैसे अपने लिए मांगती हो, अपने खर्चे के लिए मांगती हो, मेरे लिए नहीं। मैं नहीं मांगता क्योंकि तुम मुझे तो कुछ देते ही नहीं हो। क्योंकि मैं कमाता नहीं हूँ, कहाँ से दूंगा? हाँ, और मैंने कौन सा तुम्हें बांध के रखा हुआ है? जाना चाहती हो जाओ, 9 से 5 धक्का मुक्की नहीं कर सकता मैं। और काली? काली को मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ। राहुल प्लीज पापा से बात तो कर। मुझे तुम्हारे बाप से कुछ बात नहीं करनी। बाप की शादी की थी ना मुझसे, हाँ? अब नहीं जमता तो जाओ, किसने रोका है तुम्हें? मैं यही हूँ, यही रहूंगा छाननी। मुझे जूनियर आर्टिस्ट बनना मंजूर है, मगर मैं कोई और काम नहीं कर सकता। You're so stubborn and you're so stupid. Yes, I am stupid. I'm sorry, I'm stupid, I'm sorry. Sorry, 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 sorry. Sorry. अब रोना मत तुम। मुझे रोना है। तो रो। भाभी, आपने कभी एक्टिंग के लिए क्यों नहीं ट्राई किया? मैं? आप सुंदर हैं, आप तो हीरोइन बन सकती हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, टीके की कसम। आ जाओ। मामा के पास जाओगे तो ये पापा। आ जाओ। यहाँ बैठ जाओ, तेरी बेटी के साथ खेलो, ओके? आवाज़ नहीं कर, मामा बिजी हैं। राहुल कब तक आएगा? वो देर से बैठे हैं। हंसोगे तो नहीं ना? नहीं। पहले मुझे मॉडलिंग का बहुत शौक होता था। तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? कुछ दिखाओ। हाँ दिखाई। एक मिनट। हाँ क्या है? एक मिनट दिखाती हूँ। ये देखो कैसी है। ये तो बहुत ही सुंदर है, है ना? मैंने ये 6 साल पहले खरीदी थी, सोचा था कि राहुल के किसी प्रेमियर पे पहन लूंगी। मैंने आपको इस ड्रेस में कभी नहीं देखा। पहन के दिखाओ। हाँ? 5 मिनट। ओके बाहर जाओ ना, बाहर जाओ, यहीं पर रख दो। दूध पिएगा? कल ही थोड़ा दूध पी के सोना है। हाँ ये रख दो। क्या बात है भाभी,
गजब लग रही हैं आप तो, अद्भुत। सच? हाँ हाँ, ऐसे अगर कोई डायरेक्टर देख ले तो अपनी पिक्चर में आपको हीरोइन ले ले। घर गया था? हाँ। साला पेट्रोल के लिए पैसा नहीं, गाड़ी से आएगा, बस नहीं ले सकता। अपना ऐसा मान बदल के डाल के उससे पैसा नहीं मिलता। इधर नवरी मार्केट। अबे यहाँ तो हर दुकान में गार्ड है। अरे एक एक हर दुकान में राहुल, वो भी हथियार के साथ। कोई ऐसी ज्वेलरी की दुकान देख जो कहीं कोने में, वो भी फेस्टिवल के टाइम में नहीं। कोई ऐसा धंधा नहीं जिसमें कमाई ज्यादा हो, गार्ड भी ना हो? कमाई हर धंधे में राहुल, लेकिन कैश आजकल दुकान में कोई नहीं रखता। कल आधा ज़्यादा धंधा है कार्ड का, कैश तुझे सिर्फ ज्वेलरी की दुकान में मिलेगा या बैंक में? एक बार फिर से सोच ले, उसको बताना दादा। It's brand new, by the way. Not that second hand crap. आइए प्रोड्यूसर साहब, बैठिए। और मुर्गन गन काट। दोस्त खानविलकर
जा क्या लेने आए थे? सर बंदूक लेने आए थे, बिना लिए भाग गए। वो राहुल भाग गया, चैतन्य को पकड़ लिया। वो बार मालिक के पास जो हथियार थे वो भी जब्त किए। राहुल गाड़ी जब्त कर। गाड़ी रहने दे यहाँ, एक दो को साथ में छोड़ दे नजर रखने के लिए। एक ओल्ड मॉन्क फटाफट भेजो। लाख ब्याज का भरता है, पैसा कहाँ से लाता है? कहाँ से लाता पैसा? सब कास्टिंग करता हूँ पिक्चर में, आर्टिस्ट सप्लाई करता हूँ, मॉडल सप्लाई करता हूँ। दलाली तो वही तो दलाली करता है ना, फिर क्या करता है? कितना पैसा मिलता है? 3 लाख रुपए मिलता है तेरे को? आर्टिस्ट सप्लाई करके कितना पैसा मिलता है? कास्टिंग करके 3 लाख रुपए मिलता है तेरे को? कितना मिलता है पैसा? कितना पैसा मिलता है बोल, तू जल्दी बोल कितना पैसा मिलता है तेरे को? इसका मतलब थोड़ी मैं बच्ची को उठाऊंगा। बैंक लूटेगा, डकैती करेगा, तू डकैती क्या काम करेगा? क्या काम करेगा? वही तो पूछ रहा हूं ना, वही तो पूछ रहा हूं। पैसा कहां से लाएगा? मेरी बच्ची को उठा जा। तेरे ऑफिस से सिम कार्ड मिला है फॉरेन का? तेरे ऑफिस से सिम कार्ड मेरा फॉरेन का कहां से आया? इतना मारा परसों उसको टांग टांग के, फिर भी नहीं बोल रहा साला। जाधव बैठ जा, बैठ जा जाधव। सर बैठ जा। खाना खाएगा? ये ज़्यादा खाना भेज रही इसके लिए? अब इसको मादर चोट जेल डाल के भेज दूँगी। तेरे फोन पे जो कॉल आया था वो इंटरनेशनल नंबर से आया था, लेकिन कॉल मुंबई से किया गया था। ये वही कर सकता है जिसके पास इंटरनेशनल रोमिंग कार्ड हो, और हमें शक चैतन्य पर है, लेकिन वो पुलिस से बात नहीं कर रहा। तो बात करेगा उससे?
देख राहुल, तुझे मुझसे प्रॉब्लम है, मुझे तुझसे प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे प्रॉब्लम का कारण कली नहीं है। कली को ढूंढने के चक्कर में 8 खोए हुए बच्चे मिल गए, लेकिन कली नहीं मिली अभी तक। मैंने उसे गायब किया था, हाँ? तुझे कैसे पता चला कली गाड़ी में बैठी थी? थाने में तूने बोला था ना जादव को फोन पे हमारी बात हुई थी, बोला था कि नहीं तूने? तुझे बचाने के लिए बोला था, लेकिन मैं अच्छी तरह से याद है, मैंने तुझे कभी नहीं कहा कली मेरे साथ थे। हाँ, तुझे ये भी अच्छी तरह से याद होगा कि जब तू कली को लेने के लिए गया तो तूने शालिनी को गाली दी थी। समझ में आएगा, लेकिन ये कैसे समझ में आएगा कि वो मेरे साथ ऊपर नहीं नीचे गाड़ी में बैठी थी? जब वो तेरे साथ ऊपर नहीं है तो वो नीचे ही होगी ना। नीचे ही होगी ना, बाथरूम में भी हो सकती है। मुझे आके ये पूछना चाहिए था कली कहाँ है। तूने नहीं पूछा, तू बोला गाड़ी का दरवाजा खुला था, तूने बंद किया, कली उसमें नहीं थी। और कली तेरे साथ काम पे जाना नहीं चाहती, इसलिए तू उसे गाड़ी में छोड़ देता है। फिर रोती का कॉल तेरे एरिया के मोबाइल टावर से क्यों आया था? सर, अगर चैतन्य ने नहीं, कली बेटा, हेलो कली, कौन बोल रहा है? ये कोवर्ट। क्या कर रहे थे जानो? किसी से बात कर रहे थे क्या? साहब, पुजारी बोल रहा हूँ। आपने कभी कंप्यूटर से कभी ऑनलाइन कॉलिंग सर्विस इस्तेमाल किया है? बहुत सी ऑनलाइन कॉलिंग का सर्विसेज है सर। इंडियन ज़्यादातर यूके की ऑनलाइन सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं सर। अब किडनैपर ने रैंसम कॉल कौन सी सर्विस का इस्तेमाल करते हुए किया है फ्रॉम ए टू जेड, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है सर। अगर पता चल भी गया कि उसने एक सर्विस यूज़ किया, एक सर्विस में भी 1 to 100 बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो रैंडमली पता चलते हैं।
जब तक हमको डेफिनेटली ये पता नहीं चलता कि X5 यूज़ किया है कि X15, वी कांट चेस दिस लाइक सारे साइबर कैफेज को चेक करो। जितने हमारे सस्पेक्ट्स हैं, राहुल चेतन या जितने सस्पेक्ट्स हमारे रेडार में, सस्पेक्ट का दोस्त भी हमारा सस्पेक्ट है। सबके कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन चेक करो और इनके जरिए पता लगाओ कि ऑनलाइन सर्विसेज किसने यूज़ की थी। सारे साइबर कैफे? हाँ, सारे साइबर कैफे। उपाध्याय, ये ऑनलाइन कॉलिंग कार्ड सर्विसेज की पेमेंट क्रेडिट कार्ड से होती है। सबके क्रेडिट कार्ड भी चेक करो, कंप्यूटर और क्रेडिट कार्ड के द्वारा पता लगाओ कि वो रैनसम कॉल किसने किया था। हेलो, बच्चे की याद आ रही है? कौन बोल रहा है? जोर से मत बोल, कोई है तो दूर जाके बात कर। हेलो, अकेली है? हाँ, कली कहाँ है? कली सो रही है। सर, आपकी अगली शादी हो गई है, मेरा सोचो। गॉड ब्लेस, खुश रहो। क्या चाहिए तुमको? 50 लाख। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? अपने बाप से पूछो। मैं 2 घंटे में 5 बजे दोबारा फोन करूंगा। क्या हुआ, किसका फोन था? उसने कहा शौमिक को फोन नहीं करना। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, तुम चाय बना लो दोनों के लिए। हाँ, क्या चाहता है? पैसे। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? मेरे पास पार्लर जाने के लिए भी पैसे नहीं है। कितने पैसे? 65 लाख। 65 लाख? उसने कहा शौमिक को नहीं बताना। हाँ साहब, आ गया मैं, आ गया साहब, बस आ गया। तो जल्दी आप भाग क्या, नहीं तो तोड़ दूंगा मैं। हाँ, टाइम लगा था क्या? ट्रैफिक से वेट करवाएगा मुझे, लाइट लगा था। ससुरात साढ़े मर्दा के आड़े, ये है ना तेरी पिक्चर, चश्मा उश्मा पहन के, ये डब्बे का सीपीयू यही क्या? हाँ सर। हाँ सर, क्या है? डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड कौन सा है? डेबिट। ये क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, जरा अकाउंट चेक करने। सर वो तो ऐसे ही मालूम पड़ेगा। हाँ, जेरॉक्स करके दे दूंगा। साहब क्या करे सर? साहब, अरे साहब मैं काम किस पे करूंगा साहब? इस पे क्या काम करता है तू? तो? सर सारी स्क्रिप्ट इस पे ही, वो देख के ऑडिशन लेना पड़ता है। अच्छा, पहले 48 घंटे अभी इसके बगैर काम कर। ये डब्बा अगर क्लियर निकला तो तेरा, नहीं तो मेरा। है साहब, वो पहले दिन पुलिस स्टेशन आया था, उस दिन वो साइबर कैफे का जिक्र किया था, वो किधर है? कहाँ है तू? बाहर हूँ। बोल। कुछ पैसे रखने थे तेरे घर पे, मैं अपने यहाँ नहीं रख सकती। कौन से पैसे? तू कब मिलेगी? अभी 5 या 5:15 बजे तेरे घर पे आ जाती हूँ। पैसे का इंतजाम हुआ? देखो कार की कट्टी बची है, शायद पैसे आ गए हो। देखो, आए
तुझे देखकर सैल्यूट मारता है कि नहीं मारता? कब तक मारेगा सैल्यूट? 2 साल 3 साल उसके बाद फिर मैं वही पुरानी राखी, तो मेरे बुड्ढे जैसा। जानू आज नहीं, आज बहुत थक गया हूँ। राखी मल्होत्रा, आजकल तू नहीं छोड़ रहा है? तेरे कंप्यूटर चीखा है कहाँ रखते हैं? कहाँ है तेरा कंप्यूटर? नहीं है कंप्यूटर, नहीं। लैपटॉप? नहीं। पक्की बात? चल तेरे पर्स दिखा। क्यों? दिखा ना, क्रेडिट कार्ड चाहिए। दिखा। क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड है। अरे दिखा ना यार, बस दिखा, बस दिखा। बॉस का ऑर्डर। धीरे क्यों कर रहे हो? मैंने कहा चलते रहो। हाँ चल रही हूँ। हेलो पापा, आप घर पे क्या कर रहे? मैंने आज पेपर पढ़ा। हाँ, शालिनी कहाँ है? शालिनी कहीं बाहर गई है। कहाँ गई? अभी अभी तो किसी से फोन पर बात कर रही थी, कोई बता रहा था उसे कि पैसे कहाँ क्या। तुम उसका फोन सुन रहे हो? शालिनी कहाँ है पापा? झूठ मत बोलिए मुझसे पापा, आपने हमेशा अपने बच्चों से ज्यादा मुझसे प्यार किया। अब बताइए शालिनी कहाँ है? सच कहता हूँ बेटा, मुझे कुछ मालूम नहीं। हाँ सर, गाड़ी गोरेगांव कड़े चल, वेस्टर्न एक्सप्रेस है। ओके पैसे एक हफ्ते में लेने आऊंगी, ठीक है? ये ले, परेशान मत हो, कल ही घर आ जाएगी ना। हेलो, दे दिए पैसे तुमने? हाँ, मिल गई तुम्हारी बेटी, तुमको हो गई चैन। पियो शैंपेन अपने बाप के साथ, सेलिब्रेट। कितने पैसे दिए थे आपने?
कितने पैसे दिए थे आपने? राखी मल्होत्रा का घर है, उसे बुलाओ, बात करनी। सो गया है तो दो घंटे झपकी मार ले, मैं जाग रहा हूं। पैसों के साथ वो करने वाली थी, वो लेने वाली थी जो आपने मुझे दिया नहीं। क्यों शादी की मुझसे? कॉलेज का बदला लेने के लिए? ये दिखाने के लिए कि मैंने राहुल को चुन के गलती की? कैदी बना दिया आपने। कभी प्यार से हाथ लगाया मुझे? अब दरवाजा बंद करके सोते। कभी नोटिस किया है कि खाना खाते वक्त मैं कुत्ते की तरह आपको देखते रहती हूँ? कभी पूछा है कि मैंने खाना खाया या नहीं? इतनी नफरत करते हो तो शादी क्यों की? ठीक है, तुम्हारी बोलो। वो मैडम के ये फोन पे जो फोन आया था ना सर, वो उनके ये भाई सिद्धांत का साथ था सर। ठीक है, मैं आता हूँ। तुम्हारी दोस्त राखी मल्होत्रा तुम्हारे पैसे लेकर भाग गई है, अब क्या करोगी तुम?
किसी चीज की जरूरत पड़े तो विनायक को बोल देना। जो लोग बोले तेरे से सिर्फ उसको फॉलो कर, समझा? अब तेरी बात ठीक से सुन रहे हाँ, तू जहाँ भी चलेगा हम साथ में हैं। अभी वो तेरी गाड़ी बार के बाहर खड़ी है, ये तेरा डेबिट कार्ड तेरा है ना? और ये तेरे दोस्त का ले। सर दोनों के पास डेबिट कार्ड है, लेकिन सर वो यूजर नेम उनके कंप्यूटर्स। सर वो चेतन का कंप्यूटर भेजा है सर लैब में टेस्ट के लिए, शाम तक पता चल जाएगा। और राहुल के पास कोई कंप्यूटर नहीं है सर। बता। सर आगे सर। हेलो, अपना फोन गाड़ी से बाहर फेंक दे। क्या? अपना खुद का फोन फेंक दो? ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? सर उसने फोन फेंक दिया सर। क्यों? सर दूसरा फोन है सर उसके हाथ में। हाँ शायद वो किडनैपर ने अलग से छोड़ा होगा सर। सर उसको पता है, हाँ GPS डाला है गाड़ी में, शायद किडनैपर ने फोन करके बोला होगा सर। सर उसने GPS निकाल के फेंक दिया सर। अब क्या हो रहा है? सर गाड़ी में बैठ के जा रहा है सर। मॉल के अंदर आ चुका हूँ।
हाँ सर, इनऑर्बिट मॉल के पार्किंग में घुस गया सर। गाड़ी तभी तक बाहर नहीं आई। क्या करूं, अंदर घुसूं? ओके सर। साहब मैडम चली गई। हुआ इतना थका हुआ? हेलो, आवाज नहीं निकल रही है। कहाँ है तू? बड़ी अकड़ थी तुझे अपने वर्दी की, अब कहाँ गए तेरी अकड़? तो नहीं होता ना, शालिनी मुझे छोड़ के चली जाती है ना, मेरी बेटी है। तू दोस्त दिखाता था ना वर्दी की, तू कितना महान पुलिस ऑफिसर है, मैं कितना बड़ा। कहाँ है तेरी बेटी? कली कहाँ है? देख कली तेरे पास नहीं है तो बता दे, मैं फोन काटता हूँ। पुलिस के पास सारी खबर है, आपकी सारी छानबीन कर रही है पुलिस। पता चला कि 5 साल आप जेल में थे, बच्चों का मामला है। समझ रहे हो ना बड़े साहब, उन्हें शीलाल पे शक है। ये औरत और इसका भतीजा शीलाल रेलगाड़ियों में खिलौने मकौटी वगैरह बेचते थे, इस बहाने बच्चों को उठा लेते थे और उन्हें आगे बेच देते थे। एसटीएफ के हिसाब से ये भी पता चला है कि शीलाल इसका भतीजा ही, इस औरत का कोई भाई नहीं है। मैंने अपने डिपार्टमेंट को बता दिया कि आप उस टाइप का काम नहीं करते हो, ईमानदारी से अच्छी तरह घर चला रहे हो। अगर उनको ज़रा से भी भनक पड़ जाए कि आपको पता है और आप हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो मुझे वापस यहाँ आना पड़ेगा, आपको लेके जाना पड़ेगा। आपका क्या भतीजा है ना? हाँ वो मेरा भतीजा है, लेकिन 5 दिन माँ की तरह पाला आपने। हाँ 5 दिन से घर पर नहीं है और मैं वो बारे में कुछ जानती नहीं है। इस औरत पर
हम निगरानी रख रहे हैं, पर गली के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। वो ही बता सकते हैं कि गली कहाँ है। पब्लिक मारेगी उसको, जला देगी बीच सड़क पे। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, आपको और शीलाल को जला देंगे। वापस उसी जगह आ गई है जहाँ से कली गायब हुई थी, जहाँ चैतन्य रहता है। शीलाल नहीं उठाया था, उसे यहाँ बेहोश करके छोड़ दिया। गुप्ता सर माचिस। हम गली को बचा सकते थे। फर्श अब भी थामूंगी, साथ चलता है क्या पापा, भाग के देखो रे आंगन, ईम जलता है क्या पापा। हो